बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज़ विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक। वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो इंसानी कान सुन सकता है वो 20,000 से 20,000 हर्ट्ज थी, और उसको हमने क्या नाम दिया था, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का। और जो 20,000 से अबव है उसको इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं, जो इंसानी कान नहीं सुन सकता, और इसका दूसरा नाम क्या है, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक है। 0 हर्ट्ज से 16 हर्ट्ज तक या 20 हर्ट्ज तक इनको हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। इंफ्रासाउंड ये बिल्लियां वगैरह और जो डॉग्स होते हैं वो सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। और 20,000 से ज़्यादा जो है उसको हम अल्ट्रासाउंड का नाम देते हैं। 20 से कम उसको इंफ्रासाउंड, 16 से कम उसको इंफ्रासाउंड, और जो 20,000 से ज़्यादा है उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और आज के टॉपिक में हम अल्ट्रासाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि चमगादड़ या डॉल्फिन वगैरह सुन सकती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रीक्वेंसी दैन ऑडिबल साउंड वेव्स। कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो ज़्यादा एनर्जी कैरी कर सकती हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस की निस्बत। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन वी इक्वल टू एफ लैम्डा, द वेव लेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स इज वेरी स्मॉल एंड इज वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। और यही रीज़न है, हायर फ्रीक्वेंसी थी तो हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। वेवलेंथ स्मॉल होगी और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसको हम वेवलेंथ स्मॉल होने की वजह से जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने में ये मदद देती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वेव शेप दिखाई गई है, वेवलेंथ दिखाई गई है, इंफ्रासाउंड की वेव सबसे ज्यादा है, ऑडिबल साउंड जो थे वो रेंज उसकी जो वेव लेंथ है वो इंफ्रासाउंड के निस्बत कम है, और सबसे कम अल्ट्रासोनिक वेव्स की है। यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिकल फील्ड। अब हम यूज देखने जा रहे हैं कि मेडिकल जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं या अल्ट्रासाउंड है उसके यूज़ क्या होते हैं। तो मेडिकल फील्ड में सबसे पहला उसका यूज़ क्या है, इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज टू डायग्नोस एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स को ट्रीट या डायग्नोस करने के लिए, देख जानने के लिए कि डिसीज़ है या नहीं या उसको ठीक कैसे करना है, ये हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स चूज़ करते हैं। फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिसीजेज अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर्स। दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड डिफरेंटली बाई डिफरेंट ऑर्गन्स टिश्यूज और ट्यूमर्स एट्सेट्रा। हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिसीजेज को जानने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स को एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमीटर्स के ज़रिए से। तो वो वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं डिफरेंट ऑर्गन से, टिश्यूज या ट्यूमर से। तो हमें उसकी मदद से क्या करते हैं, हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर देन एम्पलीफाइड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑन द स्क्रीन। जो हमारे पास वेव्स रिफ्लेक्ट होके आई थी, एंटर की, तो वो बॉडी के जिस भी हिस्से से रिफ्लेक्ट होके बैक आती हैं वो क्या करती हैं, एक इमेज बनाती हैं इंटरनल ऑर्गन का स्क्रीन पे। सच एन इमेज हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स इन दीज ऑर्गन। वो इमेज क्या करता है, हेल्प करता है किस बारे में, डिटेक्ट करने के बारे में, डिटेक्ट करता है डिफेक्ट्स इन दीज ऑर्गन, जो उन ऑर्गन्स में कोई भी डिफेक्ट होता है उसके बारे में। जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पे जो डॉक्टर है वो क्या कर रही है, इस पर्सन का डायग्नोस कर रही है किसकी मदद से, अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से। इसकी मदद से अल्ट्रासोनिक वेव्स एंटर की जाती हैं तो वो जिस भी पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर बैक आती हैं तो वो उसका इमेज स्क्रीन पे दिखाता है। पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फॉर्म्ड इन द आर्टरीज। जो पावरफुल अल्ट्रासाउंड होता है उसकी मदद से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है ब्लड क्लॉट्स, जो आर्टरीज के अंदर खून जम जाता है, खून को रोकने का बायस बनते हैं, ये क्या करते हैं, इनको रिमूव किया जाता है किस मदद से, अल्ट्रासाउंड की मदद से। अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज्ड टू गेट द पिक्चर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस ऑफ पर्पजेज।
डायग्नोस पर्पस के लिए क्या किया जाता है, अब जो थायराइड ग्लैंड थे इनका क्या किया गया, डायग्नोस किया गया अल्ट्रासाउंड की मदद से। थायराइड अल्ट्रासाउंड यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू मेक अ पिक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये जब थायराइड ग्लैंड्स का अल्ट्रासाउंड करने के लिए डिवाइस हम गले पे लगाते हैं तो इसका प्रॉपर इमेज हमें ये स्क्रीन पे शो करता है, जिसका हम बाद में प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड प्रॉपर हमें दिखाता है। मेडिकल फील्ड में और इसका यूज़ क्या है, जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाई यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स। हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से जो बैक्टीरिया होते हैं या जर्म्स होते हैं इसमें लिक्विड में, उनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद टेक्निकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड का क्या यूज़ है वो हम देखते हैं। अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ और इज़ यूज फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप ऑन दी ओशन फ्लोर एटसेट्रा। यानी कि जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको हम यूज़ करते हैं अंडर वाटर डेप्थ, पानी की गहराई कितनी है ये देखने के लिए, या पानी के अंदर समंदर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे मौजूद तो नहीं है, या कोई भी ऑब्जेक्ट समंदर की तह में पड़ा है उसको ढूंढने के लिए भी क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड टेक्निक यूज़ की जाती है। दैट टेक्निक इज कॉल्ड सोनार। इसको हम क्या कहते हैं, सोनार का नाम देते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक बैरी जहाज़ है जिसकी मदद से अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रांसमिट की गई हैं। तो जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट अल्ट्रासोनिक वेव्स के रास्ते में आता है तो ये वेव्स टकरा के वापस जाती हैं, तो ट्रांसमीटर उनको रिसीव करता है। जब ट्रांसमीटर रिसीव करता है तो वो क्या करता है, अलार्म ऑन कर देता है जो पूरे बहरी जहाज पे सुनाई देता है कि इस एरिया में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, सोनार का नाम देते हैं। द साउंड वेव्स आर सेंट फ्रॉम ए ट्रांसमीटर। साउंड वेव्स ट्रांसमीटर की मदद से सेंड की जाती हैं एंड रिसीवर कलेक्ट्स द रिफ्लेक्टेड साउंड। और जो रिसीवर होता है वो कलेक्ट करता है रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स को। द टाइम लैप्स इज कैलकुलेटेड। जो टाइम है वो कैलकुलेट किया जाता है कि कितना वेव्स के जाने में लगा और कितना वापस आने में लगा। नोइंग द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर। इसकी मदद से स्पीड ऑफ साउंड हमें मालूम होता है वाटर के अंदर। इन दोनों चीज़ों को जानते हुए द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओशन सर्फेस कैन बी एस्टिमेटेड। यानी कि एक तो हमें टाइम का पता कैलकुलेट किया हमने, और दूसरा जो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर है ये हमें ऑलरेडी पता है। इन दो चीज़ों को यूज़ करके हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है इस ऑब्जेक्ट का उस ट्रांसमीटर से जहाँ से वो वेव्स ट्रांसमिट की जा रही थी। तो ये ट्रांसमीटर के ज़रिए से वेव ट्रांसमिट की गई, जो भी ऑब्जेक्ट रास्ते में आया उससे टकराने के बाद जब वापस गई तो फिर हमें इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता चल जाता है कितने डिस्टेंस पे मौजूद है। और क्या टेक्निकल फील्ड में यूज़ किया जाता है, सोनार रेंजिंग आल्सो यूज टू सी द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप एंड साइज भी किसी भी ऑब्जेक्ट का हम सोनार की मदद से फाइंड कर सकते हैं कि वही ट्रांसमीटर की मदद से वेव्स ट्रांसमिट की जाती हैं, ये रिफ्लेक्ट करती हैं बैक, तो रिसीवर क्या करता है उनको रिसीव करता है। तो जिस पॉइंट से और कितने डिस्टेंस, बेसिकली वही डिस्टेंस ही होता है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर स्पेस जहाँ तक उसकी हाइट है तो वहाँ से वेव्स टकराने के बाद जल्दी पहुँच जाएगी, अगर उसकी हाइट कम है तो जहाँ से वेव्स जब वापस जाएगी तो ज़्यादा टाइम लगाएगी थोड़ा इसकी नस्बत। तो इस तरह उस ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो भी हमारे पास प्रॉपर शो हो जाती है, हमें उसका भी पता चल जाता है। इसके अलावा क्रैक्स अपियर इन द इंटीरियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ हाई स्पीड हैवी मशीन सच एज टर्बाइन्स इंजन ऑफ द शिप्स एंड एयरप्लेन्स ड्यू टू एक्सपेसिव यूज। क्रैक्स अपियर हो जाते हैं जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, हैवी मशीनरी है जैसे एरोप्लेन्स हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से उड़ते हैं, या बहरी जहाज हैं पानी के अंदर चलते हैं, या इसी तरह टर्बाइन्स हैं। अब बाहर से तो देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लगेंगे लेकिन हो सकता है कि अंदर तौर पर वो डैमेज हो चुके हों, उनके अंदर क्रैक्स आ चुके हों। तो उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ की जाती हैं। दीज क्रैक्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड बट दे कैन बी वेरी डेंजरस। अब ये हमें बाहर से नज़र नहीं आते लेकिन ये काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। सच क्रैक्स कैन बी डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासोनिक्स। ये भी किस वजह से डिटेक्ट किए जा सकते हैं, अल्ट्रासोनिक्स यानी कि अल्ट्रासाउंड की मदद से, अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से।
ए पावरफुल बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड इज मेड टू पास थ्रू दीज डिफेक्टिव पार्ट्स। पावरफुल बीम अल्ट्रासाउंड की पास की जाती है इन डिफेक्टिव पार्ट से। वाई पासिंग दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाई द सर्फेस ऑफ दीज क्रैक्स एंड फ्लॉज। जब ये पास करती है तो जो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं कहाँ से, ऐसे ही सर्फेसेस से जो कि क्रैक हुए हों। द कंपेरिजन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्राम क्रैक्स एंड फ्राम द सर्फेस ऑफ दीज पार्ट्स कैन गिव अ क्लू ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रैक्स। तो जहाँ से क्रैक हुआ होता है वहाँ से जो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर बैक आती हैं वो हमें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्रैक्स मौजूद हैं। जैसे एरोप्लेन्स हैं तो ये अब बाय से हो सकता है कि सरफेस हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हो लेकिन यही बॉडी अंदर से क्रैक्स का शिकार हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों को मेयर करने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स चूज़ की जाती हैं। जहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था, जहाँ तक इस चैप्टर के तमाम थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू।